ये पोत के हम जरूर बता चिरसुली दो बार बार गए हम रूपकुंड है 32 किलोमीटर ब्लॉक में बहुत मजा आने वाला। सबसे आगे से चलते हैं लाडू देवता। ये देखिए भैया बर्फ बर्फ। हेलो दोस्तों, प्रणाम जी, कैसे हैं जी आप सभी लोग? एकदम स्वस्थ साथ में मस्त होंगे। और हम आ चुके हैं खूबसूरत सी जगह या ठंड वाली इलाकों में। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजय सिंह कफोला के साथ। और ये पीछे देखिए खूबसूरत से पहाड़, आए हाय हाय नज़ारे नज़ारे बोलते ना जिन्हें, तो वहाँ आज हम आपको ले जाने वाले हैं। हमारे साथ पता है कौन है आज? ये देखिए, ये हमारा हमारा नन्ना मुन्ना बालक आशू। बड़ा कौन लग रहा है भाई जी, ये बता दो आप। विजय लग रहा है भाई बड़ा। हाँ, बड़ा तो मैं ही हूँ भैया। हाँ, ये देखिए हमारे पहाड़ों की खूबसूरती। तो दोस्तों, क्या आप हमारे साथ घूमना पसंद करेंगे हमारे इन खूबसूरत पहाड़ों में? तो ऐसे बने रहे हमारे साथ हमारे इस ब्लॉग में। अभी हम जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सी जगह में इस प्यारी सी एंटॉर्क के साथ। तो आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ के? बहुत जन्नत है भैया ये तो। हम आपको घुमाने वाले हैं आज कहाँ? वाण गांव में। तो अभी हम जा रहे हैं वाण में, दरअसल हम जा रहे हैं शादी में। स्टैंड देख के आप समझ ही गए होंगे, ये प्यारी सी एंटॉर्क के साथ, आसो विष्ट के एंटॉर्क के साथ हम घुमाने वाले हैं आपको इस प्यारे से खूबसूरत से नज़ारों में। हाँ भैया जी, वहाँ से वाण से भी हमें जाना है बर्फ़ वाले इलाके में, कनौल, मतलब पैदल रास्ता। इससे पहले भी हम वहाँ शादी में गए थे, तो वहीं हमने शादी में फिर से जाना है। बहुत ही तगड़ा रास्ता है भैया। और दोस्तों, जो ये सामने छोटा सा गांव दिख रहा है, ये कुलिंग है, कुलिंग, और इसके बाद आएगा वाण गांव। तो चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है। तो चलिए फिर आसु विस्ट। और दगड़ियो यू चाओ, हम पूछ गए कुलिंग गांव। ये कुलिंग गांव छियो, कुलिंग जा रहे भैया, नजारे रे बरगाची रे। यू छियो यू के बुनी है। यहाँ से है वाण 9 किलोमीटर, बैदनी बुग्याल 22 किलोमीटर, रूपकुंड है 32 किलोमीटर। आहा, कदी भोला गुण यहाँ अपल मौसम हुई भैया। ये कुलिंग कुलिंग। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजद्वार वाण, हिमालयी कुंभ नगरी में। देखिए वाण का नाम आज मेरे को पहली बार पता चल रहा है ऐसा है। और ये देखिए, यहाँ पर जब माँ नंदा देवी की डोली आती तो यहाँ पर भी बैठती है। और माँ नंदा देवी का डोली का आखिरी पड़ाव ये गांव है। इसके बाद फिर आगे को चलते रहती है, आगे भी बहुत सारे पड़ाव आते हैं, लेकिन गांव वाला पड़ाव यही है। ये देखिए, ये सामने है वाण। तो दोस्तों, ये है सामने देखिए मच्छी तालाब। और ये इस बार आपदा आई थी ना जो भयंकर वाली, मतलब जो बहुत बड़ा गदिर आया, तो इस बार बहाता है। देखिए जो आधा आधा बचा यहाँ पर, अब फिर से उन्होंने पुनर्निर्माण कर दिया यहाँ पर, देखिए। और ये है करजावगढ़, खूबसूरत है ना नज़ारे यहाँ के। अभी वाण गांव में हम पहुँचने वाले हैं, वाण गांव में आता है करजावगढ़ भी, लेकिन जो मेन मार्केट है ऊपर है यहाँ के, तो वहाँ चलते हैं, वहीं आपको मिलते हैं। ये ऊपर देखिए, यहाँ भी पड़ी हुई है बर्फ। और इससे पहले यहाँ आया था मैं शादी में, बहुत पहले वाण गांव में। और अब देखिए दूसरी बार आ रखा हूँ अभी वाण में शादी में। ये है, ये सामने है वाण का टैक्सी स्टैंड। और ये देखिए खेत कितने खूबसूरत नजारे हैं ना भैया यहाँ के, जो है ना। और दाजू, अभी हम जाने वाले हैं पता कहाँ? कहाँ विजय भाई, बताओ कहाँ जा रहे हैं? एक बार पहले हम जोर से बोलेंगे, क्या जोर से बोलो? लाटू, तू धाम की जय हो, जय हो। लाटू मंदिर, बिल्कुल। इस पहले हम लाटू मंदिर आपको घुमाएंगे, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे शादी में, क्यों? सही बात है भाई, पहले पूजा फिर काम दूजा, फिर काम दूजा। तो चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, और मंदिर के दर्शन आपको कराते हैं, क्यों? ये पहुंचे हम वाण में। पहले ले लेते हैं अगरबत्ती, क्यों? हाँ, फिर चलते हैं लाडू धाम में। ये है भैया वाण का खूबसूरत सा गांव। और अभी फिलहाल हम मंदिर में जा रहे हैं, चलते ही रहते हैं हौले हौले कदमों से आगे को। दोस्तों, यहाँ पर आती है माँ नंदा देवी की डोली। ये है वाण का खूबसूरत सा गांव।
दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से ना वाण गांव बहुत बड़ा है। और ये देखिए, ये है गांव का खूबसूरत सा नज़ारा। और ये सामने स्कूल बना हुआ, बिल्कुल नई बिल्डिंगें बनी हुई यहाँ पर। और ऊपर देखिए आप, यहाँ पर पूरी बर्फ दिख रही होगी आपको ऊपर टॉप पे। और कल हमने भैया यहीं से जाना है पैदल पैदल, इधर से चलेंगे हम ऊपर ऊपर, पता नहीं हमको जाना है कहाँ, कनौल। हमने बहुत बार आपको बता दिया पार करनी है ना, हाँ ये वाली पहाड़ी पार करनी है। और फिलहाल मौसम देखिए, आज तो काफी अच्छा हो रखा है, लेकिन कल देखते हैं कैसा हमारे साथ मौसम रहता है। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, हाय हाय आंसू की आवाज, हाय 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 जान लुटाते हैं इस आवाज पे तो, हाय हाय। लाडू मंदिर भैया, जय लाडो देवता की जय हो। तो दोस्तों गाड़ी है यहाँ पर तक आती है, देखिए मंदिर के जस्ट गेट के वहाँ पर तक। और ये है हमारा लाडू धाम मंदिर का गेट। और अब हम आपको बहुत ही प्यारी सी लोकेशन, बहुत ही सुंदर से मंदिर को आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए खूबसूरत जगह, तो चलते हैं। और जय हो लाडू देवता की, जय माँ नंदा राजेश्वरी की जय हो। तो चलते हैं, जय हो जय हो जय हो जय हो। हाय हाय नज़ारे, सुकून। और यहाँ पर बर्फ भी दिख रही है थोड़ा थोड़ा। ये देखिए ना कितने खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पर भाई साहब। जो ये लोकेशन है ना वाकई में काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पर अगर हम शूट करें ना तो बहुत अच्छा प्री वेडिंग भी शूट हो सकते हैं यहाँ पर। पूरा मंदिर वाला फील जो आजकल चल रहा है ना ट्रेंड में, वो वाला फील आ सकता है। तो जय हो लाडू देवता की जय हो। तो ये हम पहुँच ही गए हैं लाडू धाम वाण मंदिर में। अब चलते हैं अंदर और मंदिर के आपको दर्शन कराते हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। सीढ़ियां क्रॉस करते हुए चलते हैं ऊपर। और यहाँ पर पानी भी आता है, आप हाथ पैर यहाँ पर धो सकते हैं आराम से। देखिए माता रानी की डोली भी दिख रही है इसमें। हमारे जो पहाड़ों का कल्चर, जो नंदा राज जात लोक जात होती है, तो उस चीज की यहाँ पर आकृति बनी हुई है। तो आपको साथ साथ यहाँ पर मानंदा देवी की डोली दिख रही होगी। और इसके बाद आता है लाडू धाम, अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं मंदिर। ये देखिए भैया बर्फ, बर्फ भी मिल गई हमें, ये देखिए बर्फ, हाय हाय। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हाथ पैर धो लिए हैं और अब पहले मंदिर के दर्शन करते हैं। यहाँ पर देखिए बंदर जी, हनुमान जी भी कह सकते हैं आप। यहाँ पर हमें सबसे पहले दिख गए हैं हनुमान जी। और ये है हमारे लाडू देवता का खूबसूरत सा मंदिर। दोस्तों सबसे पहले हमने कर ली है पूजा यहाँ पर, लाडू देवता के भी हमने दर्शन कर लिए हैं। और ये है हमारे लाडू धाम मंदिर, लाडू देवता का मंदिर, ये सामने जो आप देख रहे हैं। और आप सभी लोग भी हमेशा खुश रहे, लाडू देवता का आशीर्वाद आप सभी पर ऐसे ही बना रहे। लोग भी दर्शन कर लीजिए लाडू देवता के। अब आपको पूरे बैक कैमरे से आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ का प्रांगण कैसा है, जो यहाँ का वातावरण है वो कैसा है, और कैसा यहाँ का खूबसूरत सा मंदिर है। ये है हमारा खूबसूरत सा लाडू देवता का मंदिर। जो भी भक्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लाडू देवता उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और लाडू देवता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। तो ये है लाडू देवता का मंदिर। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम आते हैं, ये घंटियाँ सजी हुई है। और ये मंदिर का पूरी, ये देखिए घंटियाँ कितनी ज़्यादा है यहाँ पर। सभी भक्तों ने अपने अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने के बाद यहाँ पर चढ़ाई हुई है। और ये देवदार के खूबसूरत से यहाँ पर पेड़ हैं। और ये खूबसूरत सा यहाँ पर प्रांगण, पूरा फील्ड बना हुआ, काफ़ी अच्छे से सजा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर हवन, हवन यहाँ पर होता है जब कभी भी होता है। तो अभी फिलहाल नीचे चलते हैं और आपको वहाँ से पूरा नज़ारे अच्छे से आपको दिखाएंगे। क्यों, और ये स्तंभ टाइप का पता नहीं क्या है, और लाडू देवता का जो निशान बोलते होंगे इसको, ऐसा है हमारा मंदिर। पूरा प्राकृतिक तरीके से पहले बना हुआ है, लकड़ियों का और मिट्टी के लेप से पूरा बना हुआ है। और काफ़ी खूबसूरत है ये मंदिर। तो ये है हमारे लाडू देवता का मंदिर का पूरी लोकेशन, खूबसूरत सी है ना ये लोकेशन, वाकई में काफ़ी खूबसूरत है। ये देखिए नज़ारे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि लाडू देवता जो हैं
वो माँ नंदा देवी के धर्म भाई हैं। तो जब भी माँ नंदा देवी की लोग जाते हैं, रात जात होती है, उससे आगे से चलते हैं लाडू देवता, उसके बाद जाती है माता रानी की डोली और सारे ही भक्त। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा नंदा लोक जात आपने हमारे वीडियोस में भी दिखा होगा कि कैसे यहाँ नंदा लोक जात, नंदा राज जात होती है। कि मेरी तो बहुत टाइम से, जब मैं नंदा देवी लोक जात में आया था उसके बाद तो काफ़ी टाइम हो गया अभी फ़िलहाल, तो तब से बहुत इच्छा थी यहाँ आने की। और फिर एक बार लाडू देवता ने हमें यहाँ दर्शन दिए अपने, और ये सब भगवान की कृपा है कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और हमें यहाँ दर्शन दिए, और फिर से बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पर आके। सच में अगर आप भी आएंगे ना यहाँ तो आपको भी बहुत सुकून मिलेगा, दो चार मिनट आराम से सुकून से बैठे रहें, जो आपकी टेंशन होगी वो सब आप घर में भूल जाएंगे। अगर आप यहाँ आते तो आपकी टेंशन सब भूल जाएंगे, आप जो आपके आपके माथे में जो आप टेंशन होगी ना वो सब आप भूल जाएंगे। तो दर्शन हमने कर लिए हैं और आपको भी करा दिए हैं लाडू देवता के, अब चलते हैं शादी वाले घर में जहाँ है शादी, तो आपको वहाँ भी दिखाएंगे क्या क्या हमारे साथ होता है। भगवान जी अपने दर्शन फिर हमें जल्दी देना, फिर जल्दी मौका देना हमें यहाँ आने का। देखते हैं आप, क्या पता हम परसों आएंगे दूल्हा दुल्हन के साथ, क्या पता परसों आएंगे, लेकिन उसके बाद भी आप हमें मौका देते रहें ऐसे भगवान। अब चलते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर ली है और हमको जाना है यहाँ से पैदल ऊपर, इधर इधर है शादी, तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं क्योंकि बहुत लेट कर दिए इस बंदे ने, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों अब थोड़ा सा पैदल चलते हैं, पर सांस आज ऐसी फुली ना, कल पता नहीं क्या हाल होते इसके। बाकी मंदिर इधर था, यहाँ हमने दर्शन कर लिए लाडू देवता के, नीचे गांव है और ऊपर है शादी, और अभी हम पैदल पैदल चल रहे हैं। बाकी ये पीछे देखिए, आली बुग्याल, बैदनी बुग्याल पूरा सफ़ेद चादर से भरा हुआ है, बर्फ की सफ़ेद चादरों से। हम पहुंच गए हैं वहाँ, आशु सिंह को आते ही चाय मिल गई। दादा जी अभी चल रहा है हल्दी का प्रोग्राम और मांगल गीत लगा रहे हैं ये। अब हो गई है हल्दी, ये लाड चाहो तुम, यह बैटरी फालतू में जला रही है हमारी, काफी लेट हो गया था ये। जो कन्नौड़ में पहनो, अच्छा है ना ना झुमका अपनी ना ना गौड़े बात समय किरग्यो, अच्छा अच्छा हाँ हाँ। दादी तुम कहाँ घूमी? हरिद्वार, बद्रीनाथ, पिथौरागढ़ जिले में, हल्द्वानी, त्रिशूली, दो बार त्रिशूली बार गए हम, दो बार त्रिशूली राजजात में, राजजात में गए। अच्छा, एक साल अगले साल और जाना है? अरे आप बुढ़ापा आ गई, क्या करूं, कोई बात नहीं, जाए जानी भगवत के सब। चलो ठीक छ, फिर बाय। हाँ बोलो बोलो, गाड़ी के रोल ही नहीं, कोई शादी नहीं है। अच्छा अच्छा, गाड़ी के रोल मिला, बहुत मेहनत कर रखी है गांव के लिए। हाँ, कोटी से, थराली से। अच्छा, स्कूल आया। हमारे बड़जी बने हैं वे पुजारी जी, क्या बने साधु जी, जोगी बाबा। दोस्तों ये है हमारी आज की लोकेशन, ये देखिए, ये बरात वाला घर, और यहाँ से व्यू दिख रहा है शाम का। और अभी यहाँ पूरा प्रोग्राम भी हो गया है, अभी ये हल्दी हल्दी हो गया है, और बाकी सामने जो व्यू है ना भाई साहब, ये देखिये वाण गाँव खूबसूरत।
और ये आंसू लाठा पूरा पैकअप हो गया है, ठंडा लग रहा भाई, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी है सामने देख लो। अभी हम जा रहे हैं मार्केट में अभी शाम के समय, ये और फिर देखते हैं शाम को हमारे साथ क्या क्या होता है। और आज की वीडियो को आज ही खत्म करेंगे, बाकी जो कल वाली वीडियो होगी वो काफी खतरनाक होने वाली है, मतलब पूरी बर्फ पड़ी है, बोलो कोई पता नहीं कितने गिरेंगे, कितने चोट लगेगी आंसू पे भाई साहब, भाई फिसलन बहुत है। और भैया कल का ब्लॉग देखने के लिए आप सब लोग तैयार रहे, तैयार, हम बहुत गिरने वाले भी है, बर्फ भी पड़ी है और बहुत दूर ट्रैक भी है। विजय भाई चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, विक्की भाई चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, मैं खुद चल पाऊंगा नहीं चल पाऊंगा मेरे को खुद पता नहीं है। इसके बारे में ब्लॉग में बहुत मजा आने वाला है भाई, दिल थाम के देखना कल के ब्लॉग को। फिलहाल आज के ब्लॉग को क्या विक्की से मिलाने के बाद आज के ब्लॉग को एंड करेंगे। तो दोस्तों अभी हम है विक्की भाई के लॉज पे और विक्की भाई हमारे लिए कुछ लेने गया, अभी उनसे हम आपको तब मिलेंगे। फिलहाल हम ये देखे यहाँ पर अभी टैक्सी स्टैंड के वहाँ पर ये नजारे खूबसूरत से, पुराने घरों की तो बात ही अलग है भैया, मिट्टी वाले घरों में ठंडा नहीं होता, बस गर्मी ही गर्मी है भैया। और हम काम के लिए तैयार हो चुके हैं, मेहंदी खींचने हमारा कैमरा तैयार हो चुका है, लाइट लगा दी है। और बाहर पे चल रहा है खाना, खाना खींच के आएंगे फिर मेहंदी करवाएंगे, मेहंदी में फिर आपको दिखाएंगे मेहंदी कैसे होती है। हमारे विजय भाई अभी तो छूट रखे हैं, विजय भाई हमारे स्मार्ट आखिर में नहीं लगता हूँ ऐसा, ये ऐसे ही बुढ़ा कौन लग रहा कौन। और ये हैं हमारे दूल्हे राजा आज के, आपने तो राजा बड़जी हमारे हमारे दूल्हे राजा आपने तो देखे नहीं होंगे, कहाँ से देखोगे आप, ये वाण में रह चुके हैं। और अभी अभी सुनने में आया इनकी लव मैरिज है, और एक हमारी उम्र हो गई है, विजय भाई तो बुढ़े हो गए, ऐसी शादी नहीं हो रही है, लड़की मिली नहीं हुई है, इससे 5 साल बड़ा ऊपर लगता नहीं हुआ। देख लो भाई गाइस बताओ कौन बूढ़ा है, कमेंट में जरूर बताना बूढ़ा कौन लग रहा है विजय भाई।